विनोद भी अपने फैसले पर काबिज रहता है और कहता है, पिताजी क्या भूल गए, हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने इसकी माताजी को मरते वक्त वचन दे दिया है कि मैं अगर शादी करूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा तो इसी से करूंगा, मैं इसे अकेले ऐसे कहीं नहीं छोड़ सकता हूँ। नीतू शहर के जिस सोसाइटी में रहती थी, उस सोसाइटी में उसकी 60 साल की माता के अलावा और कोई नहीं था। पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और नीतू की माता, जो कि 60 से 65 की उम्र की थी, उनको एक असाध्य बीमारी कैंसर ने घेर रखा था और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी की लास्ट स्टेज पर चल रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि बस वो कुछ दिन की और दुनिया में मेहमान है, यानी कि कुछ दिन बाद उनकी ये बीमारी पूरी तरीके से उन पर हावी हो जाएगी और वो स्वर्गवासी हो जाएंगी। जब नीतू ने डॉक्टरों के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो नीतू और नीतू के माँ दोनों के दिमाग में हजारों बातें गूंज रही थी। जहां नीतू की माँ सोच रही थी कि आखिर मेरे ना रहने के बाद नीतू की परवरिश कौन करेगा, नीतू बड़ी हो गई है, नीतू जवान हो गई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो नीतू की कौन देखरेख करेगा। तब तक नीतू के माँ के दिमाग में ख्याल आया विनोद के बारे में। दरअसल विनोद भी उसी सोसाइटी में रहता था, जस्ट नीतू के घर के सामने वाले घर में। 2 साल पहले जब विनोद उस सोसाइटी में आया था तो वो नीतू के घर वालों से, यानी नीतू की माँ से और नीतू से इतना घुल मिल चुका था कि नीतू की माँ और नीतू को आभास ही नहीं होता था कि उसके घर में कोई पुरुष देखरेख करने के लिए नहीं है। अचानक विनोद भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और नीतू उसे पूरा रिजल्ट देखकर बताती है कि डॉक्टरों ने ये रिजल्ट दिया है और कहा है कि माँ का कैंसर अब लास्ट स्टेज में हो, ज्यादा दिन बचेंगी नहीं। विनोद भी ख्याल में पड़ जाता है, विनोद भी सोच में पड़ जाता है। अचानक उसकी माता जी उसे अस्पताल में जहां पे एडमिट थी वहां बुलाती हैं। अब विनोद उस हॉस्पिटल में जिस कमरे में उसकी माताजी एडमिट थी वहां पहुंचता है तो नीतू की माताजी विनोद से कहती है कि बेटा मुझे एक वचन दो। वो कहता है, माताजी कैसा वचन? तो नीतू की माता विनोद से कहती है कि बेटा ऐसा वचन कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, देख रहे हो डॉक्टरों ने आज क्या कह दिया है, तो तुम नीतू की पूरी तरीके से देखभाल करोगे, नीतू को अपना कर रखोगे। अब जब विनोद ये सारी बातें सुनता है तो एक बार वो भी सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो पूरी तरीके से एक रोचक कहानी है जिसमें पूरी तरीके से प्यार की जीत हुई। कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो कुछ लोगों को शेयर कर देना। दोस्तों, आइए बिना देरी के कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद विनोद और नीतू दोनों अपने जहां पे उन्होंने सोसाइटी में घर लिया था वहां चले आते हैं और उनकी माँ अस्पताल के देखरेख में अस्पताल में एडमिट थी। अब धीरे धीरे 4-5 दिन बाद पता चलता है कि नीतू की माँ अब स्वर्गवासी हो गई, नीतू की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे तैसे नीतू और विनोद दोनों मिल के माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। अब अंतिम संस्कार होने के बाद जो संस्कार में पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, पूरी प्रक्रिया दोनों लोग मिलकर करते हैं। अब नीतू विनोद से एक दिन कहती है कि विनोद, तुम भी अकेले कमरे का भाड़ा देते हो, मैं भी अकेले कमरे का किराया अकेले दे रही हूं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ एक कमरे में रहने लगे, एक ही फ्लैट में रहने लगे। तो विनोद कहता है ठीक है। अब नीतू अपना कमरा अपना फ्लैट छोड़ देती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अभी वो 4-5 महीने एक साथ रहे ही थे कि अचानक विनोद कहता है कि नीतू, मैं 1 महीने के लिए घर जाना चाहता हूँ, अपने गांव जाना चाहता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो नीतू कहती है कि तुम 1 महीने के लिए घर जाओगे, मैं कैसे रह पाऊंगी। तो विनोद कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। नीतू कहती है हाँ बिल्कुल चलूंगी। अब नीतू विनोद दोनों तैयार हो जाते हैं और विनोद नीतू को लेकर अपने गाँव पहुँचता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है, जो लोग देखने वाले थे गांव के, वो देखते हैं विनोद को तो देखते ही रहते हैं। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि इतनी सुंदर जवान एक लड़की जो विनोद के साथ आई है, आखिर ये कौन है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे।
हालांकि विनोद सीधा अपने घर पहुंचता है। जैसे वो घर पहुंचता है उसकी माँ निकलती हैं, माँ से वो प्रणाम करता है, और जैसे ही वो माँ से प्रणाम करता है वैसे नीतू भी झुककर माँ का चरण स्पर्श करती है, माँ नीतू को आशीर्वाद देती हैं। अब नीतू और विनोद जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो विनोद के पिता सुमेर सिंह, जो लंबी कदकाठी के मूछों वाले क्षत्रिय ठाकुर थे जिनका नाम सुमेर सिंह था, सुमेर सिंह आ जाते हैं, विनोद से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो विनोद कहता है पापा अभी शाम हो गई है, मैं सुबह सारा कुछ बताऊंगा। तो विनोद के घर में, चूंकि विनोद अकेला था तो वो शहर में फ्लैट में रहता था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, तो विनोद की घर में देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। तो विनोद के घर के 2-3 किलोमीटर दूर ही उसकी एक बहन जिसका नाम दिव्या था, उसकी शादी हुई थी, तो उसकी बहन दिव्या और उसके जीजा और एक भांजा वो विनोद के घर पे ही रहते थे। अचानक दिव्या आ जाती है, विनोद की बहन, जब वो देखती है तो वो भी पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो विनोद कहता है दीदी सब कुछ बताऊंगा। अब नीतू दिव्या का पैर छूती है, उसके जीजा का पैर छूती है, अचानक दिव्या का बेटा यानी कि विनोद का भांजा कहता है आप लोग क्यों परेशान हो, ये तो मामी है। तो दिव्या कहती है कि बक पगले, तुम हमेशा सबको मामी ही कहते हो, तुम्हारी मामी ही सब लगती है। हालांकि जैसे तैसे सब खाना पीना खाते हैं, खुशी खुशी सब सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो घर के परिवार के लोग फिर से पूछना शुरू करते हैं, तो विनोद पूरी बातें बताता है। तो विनोद के जीजा और विनोद के पिताजी दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। विनोद कहता है कि मैं अब इसके साथ ही रहूंगा, मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, मैं इसके साथ ही जीवन यापन करूंगा। तो विनोद के पिताजी और जीजाजी विनोद से सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि लड़की किस जात की है। तो विनोद बताता है कि लड़की जो है वो गुप्ता है। तो विनोद के पिताजी कहते हैं कि भाई हम लोग क्षत्रिय हैं और हम लोग दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते, दूसरी कास्ट में विवाह नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, ये सामाजिक मजबूरी कहो चाहे हमारी खुद की मजबूरी कहो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब विनोद भी अपने फैसले पर काबिज रहता है और कहता है पिताजी क्या भूल गए, हम उस खानदान से हैं जिस खानदान में कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने इसकी माता जी को मरते वक्त वचन दे दिया है कि मैं अगर शादी करूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा तो इसी से करूंगा, मैं इसे अकेले ऐसे कहीं नहीं छोड़ सकता हूं। अब जब पिताजी ये सारे बातें सुनते हैं तो उसकी माता जी को बताते हैं। माता जी चाह रही थी कि वास्तव में नीतू ही उनके घर की बहू बने, क्योंकि एक दिन के अंदर उसने जो शालीनता, जो व्यवहार अपना दिखाया था उनकी माता जी को, वो पूरा दिल जीत लिया था। अब माहौल पूरी तरीके से गमगीन था। एक तरफ विनोद के जीजा जी और उसके पिता सुमेर सिंह, और एक तरफ विनोद अकेला। नीतू ये सारी बातें सुन रही थी, उसे लग रहा था काश मैं विनोद की जिंदगी में ना आई होती तो इतना विनोद को किसी की बातें ना सुनना पड़ता। लेकिन विनोद भी अपने फैसले पर अडिग था। अब वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी मैं वापस शहर को जा रहा हूं और मैं अब कभी नहीं आऊंगा, आपकी जो जमीन जायदाद है सब आपके हवाले, आप जो मर्जी वो करिए, लेकिन मैं अपने वचन को काट नहीं सकता हूं, अपने वचन को निभाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, मुझे प्रॉपर्टी की पैसे की कोई लालच नहीं है। वो अपनी मंगेतर नीतू को लेता है और फिर से सोसाइटी में जाकर रहने लगता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, 2 साल का दिन गुजर जाता है। नीतू और विनोद को एक प्यारी सी बिटिया होती है, यानी कि नीतू एक प्यारी सी नन्ही सी कली को जन्म देती है। अब धीरे धीरे वो बिटिया 1-2 साल की हो गई। अचानक एक दिन विनोद ऑफिस से आता है तो अपना हाथ मुंह धोने के लिए जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो विनोद के फोन पर लगातार कई बार कॉल आती है। अब नीतू फोन उठाती है, तो नीतू जब फोन उठाती है तो उधर से विनोद की माँ गांव से काफी तेज तेज से रोती है और कहती है कि विनोद के पापा सुमेर सिंह को हार्ट अटैक आ गया है। नीतू विनोद को ये सारी बातें बताती है। अब नीतू विनोद दोनों इकट्ठे ही अपना झोला बस्ता पैक करते हैं और सीधा अपने गांव चले जाते हैं। गांव आने के बाद वो अपने माताजी से मिलता है और सीधा उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसके पिताजी एडमिट थे, जहां पे उनका इलाज चल रहा था। विनोद जब उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो
पिताजी को की हालत बहुत सीरियस थी, देखता है वो अपनी जी जान झोंक देता है, उसके पास जितने पैसे थे जितनी मदद हो सकती थी उतनी मदद लगा देता है, खून की जरूरत पड़ती है तो अपने खून को भी दे देता है। भगवान का शुक्रिया कहिए कि उसके पिताजी अब ठीक होने लगे थे। उसके पिताजी को पहला हार्ट अटैक आया था, वो पूरी तरीके से अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए थे। जब विनोद ने अपने पिताजी से इसके पीछे का कारण जानना चाहा कि आखिर पिताजी ऐसी क्या बात थी, आप क्या सोच रहे थे कि आपको हार्ट अटैक आ गया, तो उसके घर वालों ने बताया कि उसके सगे जीजा ने, यानी कि उसकी बहन और जीजा जो थे, उन्होंने चालबाजी करके 420 करके फ्रॉड करके उनके पिताजी से उनको कुछ खिला पिलाकर पूरी जमीन अपने नाम करा ली थी। और जब ये सब विनोद के पिता सुमेर सिंह को पता चला तो सुमेर सिंह सोचने लगे कि एक तरफ मेरा बेटा उधर चला गया, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आ जाता है। विनोद कहता है कि पापा आप चिंता मत करिए। अभी विनोद और उसके पिता बात ही कर रहे थे कि अचानक विनोद की माँ उस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को, जो कि सुमेर सिंह की नातिन लगती थी, लाके गोद में दे देती है। और जैसे ही विनोद के पिता उस नातिन को अपने पास पाते हैं, उसे गर्दन से लगा के काफी सारा प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी प्यारी गुड़िया, जिसे मैंने अपने दामाद के कहने पर अपने प्यारे से घर परिवार को छोड़ दिया था, आखिर में काम आया तो वही आया। अब विनोद अपने घर रहने लगता है, फिर वो कोर्ट केस करता है अपने जीजा के ऊपर, फिर कोर्ट केस का फैसला आता है, विनोद की पूरी प्रॉपर्टी बच जाती है और लास्ट में पूरे घर वालों को पता चल जाता है कि ये जो कुछ हुआ, ये जो के पीछे जो भी कारण थे, वो सिर्फ एक कारण था, वो था विनोद का जीजा। उसे लगा कि विनोद तो वापस आने वाला नहीं है, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, अब पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, अब मैं पूरी प्रॉपर्टी लेकर उपयोग करूंगा और इस पर राज करूंगा। लेकिन उसकी पोल बीच में ही खुल जाती है, उसका सारा का सारा प्लान धरा रह जाता है। और इधर विनोद की पत्नी नीतू को विनोद के मम्मी पापा अपना लेते हैं, लोग प्यार से उसी गांव में रहने लगते हैं। अब विनोद सोचता है कि शायद अगर मैंने इतनी जिद ना की होती तो मुझे मेरा प्यार ना मिलता। उसने जिद कर अपना प्यार पा लिया था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जन्नत नसीब हो गई हो, उसे स्वर्ग मिल गया हो, दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें, प्यार ही नहीं किसी भी चीज में, अगर हम किसी चीज में दृढ़ संकल्प कर लें तो वो पूरा होकर रहता है, चाहे जैसे भी मिले, उसे प्रकृति कायनात आपसे जरूर मिलाती है। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ये कहानी कहां से देख रहे थे, हमें अपने दिल की पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक दिल को छू लेने वाली नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।